हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। क्या हाल चल रहा है सभी लोगों का? होप सो आप लोग सभी खैरियत होंगे। अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जैसे ही आप लोग अपने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या ऑडियो फाइल को प्ले करते हैं सो आप लोगों की जो स्क्रीन है वो ऑटो टर्न ऑफ हो जाती है, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने किस तरह से फिक्स करना है कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को दोबारा ना आए। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप पर जाता हूँ, व्हाट्सएप में जाने के बाद इधर से जैसे मैं अपना कोई भी चैट ओपन कर लेता हूँ, ये जो मैंने वॉइस मैसेज किए खुद को, ये अगर आप लोगों को मैं प्ले करके दिखाऊं, सो आप लोगों को जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो इधर जो मेरी स्क्रीन है वो स्क्रीन ऑटो टर्न ऑफ हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक एक स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोग कोई भी स्टेप इसमें से मिस कर देंगे सो आप लोगों के लिए ये मिस क्रिएशन कर देगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो किस तरह से करें, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। छोटी सारी वीडियो जारी, इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सो किस तरह से करें, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट करने हैं। लॉग आउट करने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें सेटिंग्स कर लेनी है कि आप लोगों का जो डेटा है वो लॉस ना हो। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल से थ्री डॉट्स पे टैप करना है। थ्री डॉट्स पे टैप करने के बाद जैसे सेटिंग्स पर जाएंगे, सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोगों ने जैसे स्क्रॉल करके जैसे चैट्स में आ जाना है। चैट्स में जाने के बाद इधर से आप लोगों को चैट बैकअप का ऑप्शन आएगा। चैट बैकअप में आप लोग चले जाएंगे। चैट बैकअप में जाने के बाद इधर से गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली वो गूगल अकाउंट है जिसमें आप लोगों का सारा बैकअप स्टोर होगा। मैंने सेलेक्ट किया, आप लोगों ने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों का अपना, जिसमें आप लोग अपना बैकअप स्टोर करना चाहते हैं व्हाट्सएप का। आप लोगों को उसका पासवर्ड वगैरह ज़रूरी से पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर से आप लोगों ने बैकअप के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही बैकअप के ऊपर टैप करेंगे इधर से बैकअप मैसेजेस का ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोगों का और आप लोगों का डिपेंड ऑन योर डेटा के आप लोगों का कितना डेटा, जितना बैकअप होगा, जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा डेटा बैकअप होने में। अराउंड 1 to 5 मिनट्स ये लेगा आप लोगों का बैकअप हो जाएगा। अब बैकअप हो चुके हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वापस बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आप लोगों ने अगर ये सेटिंग्स नहीं की सो आप लोग लॉग आउट ना करें, आप लोगों का डेटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से इधर से व्हाट्सएप में आ जाना है, बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद इधर होल्ड प्रेस करके रखें व्हाट्सएप पर। होल्ड प्रेस करने के बाद इधर से ऐप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। ओके, ऐप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। ऐप इन्फो में आप लोग चले जाएं, इधर से आप लोगों को स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन आ रहा है। स्टोरेज आप लोगों को स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन आ रहा है। स्टोरेज यूजेस के ऊपर टैप करें, उसके बाद इधर से आप लोग सिंपल से क्लियर डेटा कर दें, ओके कर दें। अब आप लोगों का जितना भी डेटा है व्हाट्सएप का डिलीट हो चुका है, यानी आप लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो चुका है बगैर अनइंस्टॉल किए। अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ओके, लेट मी फर्स्ट दिस प्रोसेस टू सेव योर टाइम। सो आप लोग देख सकते हैं अपने व्हाट्सएप लॉग आउट किया था और आप लोगों के टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था। इस सारे प्रोसेस जो मैंने फास्ट करके आप लोगों को वीडियो में दिखाए हैं, आप लोगों ने सारों को फॉलो कर लेना और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो वॉइस मैसेज की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है सो यार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने व्हाट्सएप पर क्रिएट किया है, आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है अबाउट दिस वीडियो या कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को सो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।